वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 11 29 जुलाई की तीनों वर्कशीट हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैथ, फिर हम करेंगे साइंस एंड देन हम करेंगे हिंदी। तो आइए चलते हैं, पहले मैथ की वर्कशीट देख लेते हैं। मैथ की वर्कशीट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, जिसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर से भी जानते हैं। इसका इन्होंने एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा बात करी है, तो हम भी इसको एप्लीकेशन के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा कि इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। फिर मैं उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बिना देखे उनको खुद करें ट्राई और उनका आंसर्स आप चेक करें कि वो आपसे हो पा रहे हैं या नहीं। सो आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। 201 होल स्क्वायर। सो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिसको हम एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हमें 201 को इस फॉर्म में लिखना होगा। तो मैं 201 को मैं लिख सकता हूँ 200 प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इसके अंदर हम फिल कर देंगे ए बी और सी की वैल्यू। यहाँ पर जो है वो ए है वो 200 और बी जो है वो 1। सो यहाँ पर आ जाएगा 200 201 1। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं जैसे मैंने ब्रैकेट्स में डाला। अगर आप वैसे करेंगे तो आपको कोई गलती नहीं होगी इसके अंदर। तो हम इसको लिख देंगे 200 का स्क्वायर हो गया 400 00। सो 00 00 हो जाएगा, 400 हो गया प्लस 1। सो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ जाएगा 0401। सो ये आपका पहला आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसको भी हम एक्सपेंड करके लिख देंगे 1000 प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये भी क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको फिल द ब्लैंक्स फॉर्म में बना देंगे। अब यहाँ पे ए क्या है 1000, बी क्या है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। सो अब हम इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को। सो जैसे कि अभी अभी हमने समझा 1000 हो गया, 30 30 और एक बार। सो यहाँ पर हो गया 2 into 2 4 4000, और ये हो गया 4। तो हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 चार प्लेसेस हो चुके हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 0 और 1। सो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो कैलकुलेटर में इसको चेक करके देख लें। थर्ड पार्ट भी एकदम सिमिलर है, मैं पहले इसको एक्सपेंड करूँगा, आ जाएगा 100 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक्सपेंड हो गया। अब हम इसके अंदर ए और बी आइडेंटिफाई कर लेंगे, ए हो गया 100, बी हो गया 2। सो 100 100 2 2। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो 100 का स्क्वायर हो गया 1 00 00। सो 10000 प्लस 2 into 2 400 प्लस 4। सो इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया 4 0 4, तीन प्लेसेस हो चुकी हैं, 1 2 3, 1 0 बचा और 1 1। सो ये आपका आंसर। आप देख पा रहे होंगे कितनी जल्दी हो पा रहा है। स्लो ये कोश प्रैक्टिस ही हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले ही एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी।
तो हम पहले ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसमें सब्सिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, ए क्या है x, b क्या है 2। सो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर भी 2। सो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 times 2 4x प्लस 4। इसके आगे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। सो धीरे धीरे हम इस टाइप के और भी क्वेश्चंस देखेंगे आने वाली वर्कशीट्स पे। सो आज के लिए इतना ही, बट मेक श्योर जो वहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं वर्कशीट के अंदर, उसको बिना देखे आप खुद करें, आपको समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 11 देख रहे हैं 29 जुलाई की, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस। सो ये वर्कशीट जो है वो लास्ट वर्कशीट के कॉन्टिन्यूशन में है। लास्ट वर्कशीट में हमने मिक्सर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिक्सर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके एक सब्सटेंस फॉर्म होता है, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब्सटेंस की, जो नया सब्सटेंस बनता है उसका चेंज नहीं होता। वेरस कंपाउंड में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पिछले सब्सटेंस से डिफरेंट होती हैं। सो आप मिक्सचर का एक एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्ट वाटर, जिसके अंदर आप उनको जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी वो सेम है, इंटैक्ट है। वेरस कंपाउंड के अंदर आप हो गया मीथेन, या फिर आप कोई और भी एग्जांपल आप सोच सकते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपका जो सब्सटेंस है वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाते हैं। इसका दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आइए चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक एग्जांपल है यहाँ पर, एक केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, इसमें हम एलिमेंट ए लिया है 4 ग्राम, एलिमेंट बी लिया है 10 ग्राम, जिसको हम केमिकली रिएक्ट करा तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जिसका है COD। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें 4 ग्राम एंड 10 ग्राम, यहाँ पर सी ग्राम क्या क्या है 2.5 ग्राम और 11.5 ग्राम, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही जो उनका जो मास है रिएक्टेंट्स का वो 14 ग्राम एंड 14 ग्राम है। नेक्स्ट आ जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो उनका जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो सेम रहता है। आइए चलते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर वाटर है, H2O है, जिसका 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 8 ऑक्सीजन का, जिसका मास जो रेशियो बन जाता है वो 1:8। इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो 9 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेंगे। उसी तरीके से अगर मुझे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, इसका मतलब 1 का मैंने डबल कर दिया 2 एंड 8 का डबल मुझे करना होगा, जिसका मतलब मुझे ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा 16 ग्राम। सो इन टोटैलिटी मुझे कितना वाटर मिलेगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो ऑफ मास है वो 3:8 है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो मास है वो 14:3 है, जो एमोनिया बनाता है NH3। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आप यहाँ से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसकी डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, ये आपको ज़रूर लिखनी है क्योंकि उन्होंने स्टेट करने के लिए बोला है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कैन देयर बी अ वेरिएशन इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ 2 सैंपल ऑफ प्योर वाटर टेकन फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस। सो जैसे कि हमने बोला है जो रेशियो है उसका वो सेम रहता है, कॉम्पोजिशन जो है वो उसकी सेम रहती है
चाहे आप कहीं से भी लें, प्योर वाटर होना चाहिए। तो प्योर वाटर चाहे आप ए प्लेस से लें, बी या सी, कहीं से भी लें, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगा। तो हम आंसर लिख देंगे नो, देयर विल बी नो वेरिएशन इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ टू वाटर बिकॉज द रेशियो विल ऑलवेज बी सेम एज 1:18, सॉरी 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है, 3 + 8 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके अंदर हमें पूछा गया कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो हम आंसर लिख देंगे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया हम पहले देख चुके हैं, अमोनिया के लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दीज आर द टू एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर यूज होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ जो कि है हिंदी की। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम एक नई वर्कशीट देख लेते हैं जिसका नाम है कार्यपत्रक 11। नंबर है उसका कार्यपत्रक 11। यह हिंदी की वर्कशीट है, यह वाक् पर बेस्ड वर्कशीट है। इसमें कवयित्री ललदद्य की कविता के बारे में बताया गया है। वाक् एक तरह की काव्य शैली है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। आइए ये वर्कशीट देख लेते हैं। निम्न प्रस्तुत पद्यांश कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदद्य द्वारा रचित वाक् से उद्धृत है। उनकी काव्य शैली को वाक् कहा जाता है। तो कश्मीर में जो काव्य शैली है जिसमें 4 पंक्तियों में कविता लिखी जाती है, उसे वाक् कहा जाता है। अपने वाक्यों के माध्यम से उन्होंने जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव से ऊपर उठकर जीवन में जुड़े भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए जोर दिया। तो कवयित्री ललदद्य हैं, उनकी यहाँ पर कविताएं दी गई हैं जो वाक् काव्य शैली में लिखी गई हैं। तो पहली कविता है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करी देव भवसागर पार। पानी तपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो इन पंक्तियों की अगर व्याख्या पढ़ें तो इसमें कवयित्री ललदद्यत अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन करती करती हुई दिखती हैं। तो ललदद्यत अपना यहाँ पर इंतजार कर रही हैं और वो साथ ही साथ प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। किस चीज की कोशिश कर रही हैं? वो कह रही हैं कि मुझे प्रभु से मिलने की आस है। तो वह प्रभु से, अपने ईश्वर से मिलना चाहती हैं और उसी का इंतजार कर रही हैं और उसी की तरफ कोशिशें उनकी जारी हैं। उनसे प्रभु से मिलने की आस में उनकी जीवन रूपी नाव, तो उन्होंने नाव को अपने जीवन से कंपेयर किया है। और कंपेयर करते हुए वो कहती हैं कि उनकी सांसों की डोरी, तो इस कविता में जो कच्ची रस्सी यहाँ पर लिखती हैं वो, तो उसका मतलब उनका है उनकी सांसों की डोरी के सहारे उनकी जीवन की नाव आगे बढ़ रही है। तो उनकी सांसों की डोरी कच्ची रस्सी की तरह है जो कभी भी टूट सकती है, लेकिन फिर भी वह सांसों की डोरी से उनकी जीवन रूपी नाव, जीवन जो है उनकी नाव की तरह आगे बढ़ रही है। प्रभु ना जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे जीवन रूपी इस भव सागर से पार लगा देंगे। तो वह इस इंतजार में है कि जाने कब उनके ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस जीवन के पार उन्हें लगा देंगे। जिस प्रकार मिट्टी के सकोरे से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन से एक एक दिन कम होता जा रहा है। ऐसे में मेरे जीवन से रह रह कर हुक उठती है। हुक मतलब वेदना उठती है, पीड़ा उठती है कि कब मेरी आत्मा संसार रूपी वैतरणी को पार करके मिलन कर पाएगी। तो
तो जो एक एक करके उनका दिन कट रहा है, यह अपना इंतजार दर्शाते हुए वो बता रही हैं कि जैसे एक मिट्टी के सकोरे से, मिट्टी के चिग्गा जो होता है, मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन होता है, उससे पानी टपक टपक कर कम होता है, उसी तरह से उनके जीवन का भी एक एक दिन बड़ी ही धीरे से आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में, ऐसे जीवन में भगवान से मिलने का उन्हें इतना इंतजार है कि ऐसे जीवन में जो रिस रिस के आराम आराम से एक एक दिन करके कट रहा है, तो उनके मन में बहुत ही पीड़ा उठती है, बहुत ही दर्द उठता है, वेदना उठती है कि ये कब कब वो दिन आएगा जब उनकी आत्मा इस संसार रूपी वैतरणी को, इस संसार को पार लगा जाएगी और अपने ईश्वर से मिल पाएगी। तो विशेष प्रतीकों के माध्यम से अध्यात्म का वर्णन किया गया है। तो वह अपनी भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर देती हुई प्रतीकों के माध्यम से, सिंबल्स को यूज करते हुए, उन्होंने कई सिंबल्स यूज किए हैं, जैसे नाव, जैसे कच्ची रस्सी, जैसे मिट्टी के सकोरे। तो इस तरह से सिंबल्स को यूज करते हुए उन्होंने भक्ति का, अपनी भक्ति का वर्णन किया है। अब चलते हैं उनकी दूसरी कविता पर। उनकी दूसरी कविता है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ये बहुत ही प्यारी कविता इन्होंने सिर्फ 4 पंक्तियों में लिख दी है। यहाँ पर कवित्री ललदद्यत यहाँ कहती हैं कि मध्यमाग्र की विशेषता वो यहाँ पर बताती हैं कि कैसे ना आप दो एक्सट्रीम्स, तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम सिचुएशन की जगह आप कैसे एक मध्यम मार्ग अपनाएं, वो ये बताती हैं। वह कहती हैं कि यदि हम सांसारिक भोगों में लगे रहेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अगर हम सांसारिक भोगों में, हम लालच में, हम वही रोज की दिनचर्या, पैसों के पीछे भागना, सक्सेस के पीछे भागना, इन सब में लगे रहेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ ही यदि हम सारे सांसारिक भोगों को त्याग देंगे तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा। तो वो ये भी कहती हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि उसका दूसरा एक्सट्रीम आप अपना ले, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे ही सांसारिक भोगों को त्याग दें और सब कुछ त्याग दें। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो हम में अभिमान आ जाएगा, हमें ये प्राइड फीलिंग आ जाएगी, हमें ये गर्व आ जाएगा कि देखो मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, मैं कितना महान हूं। तो इस तरह से हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा। ऐसे में वो एक सल्यूशन बताती हैं। वो कहती हैं ऐसे में हमें ईश्वर के प्राप्ति के इन दोनों मार्गों को ही त्याग देना चाहिए। तो ना तो हमें बहुत ज्यादा सांसारिक भोगों में लग जाना चाहिए, ना ही हमें बिल्कुल पूरी तरह से सांसारिक भोगों को त्याग देना चाहिए। इसलिए कवयित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने की सलाह देती है। वो कहती हैं कि यदि हम इन दोनों मार्गों के बीच का मार्ग अपनाएंगे, मध्यम मार्ग अपनाएंगे, इससे ही हमारे मन में उदारता का भाव उत्पन्न होगा, तभी हम दयालु बनेंगे और हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार आदि भावों का समापन होगा। तो यदि हम यह मध्यम मार्ग अपना लेते हैं, इन दोनों के बीच का मार्ग अपना लेते हैं, ना तो बहुत ही ज्यादा सांसारिक भोगों में लगते हैं, ना ही उनको पूरी तरह से त्याग देते हैं, और इन दोनों का मध्यम मार्ग अगर हम अपना लेते हैं, तो हमारे अंदर के जो ये बुरी भाव हैं, जैसे स्वार्थ, अहंकार, ये सब खत्म हो जाएंगे और हमारे मन में दया का भाव, उदारता का भाव उत्पन्न होगा। तभी हमारे मन में समानता का भाव उत्पन्न होगा, तभी हम एक दूसरे को सम दृष्टि से देख पाएंगे, हम एक दूसरे को एक जैसी समानता की दृष्टि से देख पाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे मन के द्वार खुल जाएंगे। और तभी जब हम एक दूसरे को समानता की दृष्टि से देख पाएंगे, यह मध्यम मार्ग अपनाकर, तभी हमारे मन के सब द्वार खुल जाएंगे, हमारे मन के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये बहुत ही छोटी और 4 पंक्तियों में लिखी हुई कविताएं हैं जो बहुत गहरा मतलब समझाती हैं। तो अब इन्हीं पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, आइए उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कवयित्री यह क्यों चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? तो इसका उत्तर जो है वो आपके सामने ही है, आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमने पहला पहला यहाँ पर
पहली कविता जो हमने पढ़ी थी उसमें इसका उत्तर है, कवियत्री यह क्यों चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। तो पहली कविता में पुकार की बात हो रही थी, जैसे ये लाइन है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। तो वो कहती हैं कवियत्री, तो इसका उत्तर होगा कवियत्री यह चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने, ताकि वह उन्हें जीवन रूपी इस भव सागर से पार लगा दें। यह इस प्रश्न का उत्तर है। कवयित्री यह चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने, ताकि वह उन्हें जीवन रूपी इस भव सागर से पार लगा दे। अब दूसरा प्रश्न आपका है, आपको इन पद्यांश में कौन सी दो पंक्तियां सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। अब ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना है कि ये जो आपने दो कविताएं यहाँ पर पढ़ी, चार चार पंक्तियों की, इनमें से कोई भी दो पंक्तियां आपको लिखनी है जो आपको सबसे अच्छी लगी, और साथ ही उनका अर्थ, उनका मीनिंग भी आपको लिखना है। तो ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपको जो पसंद आया है, आपको जो दो लाइनें पसंद आई हैं, आप वो लाइनें लिख सकते हैं और उनका मतलब भी लिख सकते हैं। सैम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ मुझे कौन सी दो लाइनें अच्छी लगी, मैं वो लिख देती हूँ। अगर आपको भी वो अच्छी लगी तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको कोई और अगर दो पंक्तियां अच्छी लगी तो आप वो लिख सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे ये दो लाइनें बहुत अच्छी लगी, ये दूसरी कविता की दो लाइनें, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो मुझे ये दो पंक्तियां बहुत अच्छी लगी, और इनका अर्थ है कि जब हम बीच का मार्ग अपनाएंगे, जब हम सबको समानता की दृष्टि से देखेंगे, तभी हम संभावी हो सकेंगे, तभी हम अपने अंदर के स्वार्थ, अहंकार और आदि भावों को खत्म कर पाएंगे, और तभी हमारे मन के सारे द्वार खुल जाएंगे और हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। यही इस इन पंक्तियों का मतलब है, तो आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं प्रश्न तीन पर। प्रश्न तीन कहता है, ललदद्यत बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती हैं? तो इसका उत्तर भी सामने ही है आपके, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, ये दूसरी कविता में से है। ललदद्यत बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती हैं? तो इसका उत्तर यही है, कवयित्री ललदद्यत हमें बीच का मार्ग अपनाने की सलाह देती हैं, जिससे हमारे मन में उदारता का भाव उत्पन्न होगा और हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार आदि भावों का समापन होगा। तभी हमारे मन में समानता का भाव उत्पन्न होगा और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे मन के द्वार खुल जाएंगे। तो यह इस प्रश्न का उत्तर है। ललदद्यत बीच का मार्ग अपनाने की सलाह इसलिए देती हैं जिससे हमारे मन में उदारता का भाव उत्पन्न होगा और हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार आदि भावों का समापन होगा। तभी हमारे मन में समानता का भाव उत्पन्न होगा और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे मन के द्वार खुल जाएंगे। अब प्रश्न चार पर चलते हैं। ये प्रश्न चार बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुझे ये देखकर बहुत ही मजा आया कि अच्छा ये तो क्रॉसवर्ड दिया है इन्होंने, और इसमें इसे सॉल्व करने में मुझे तो बहुत मजा आया। अगर आप चाहते हैं तो आप भी इसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्रॉसवर्ड है। फिर भी हम आपके लिए, अगर आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम इस क्रॉसवर्ड के उत्तर यहाँ पर अभी हम आपको डिस्प्ले कर देते हैं, तो आप वो आंसर्स को देख कर यहाँ पर इस क्रॉसवर्ड को भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वर्कशीट अच्छी लगी हो और उसके आंसर्स भी आपको अटेम्प्ट करने में मजा आया हो। अगर आप ऐसे ही आगे वर्कशीट्स देखना चाहते हैं और सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले जब उसके वर्कशीट के सॉल्यूशंस आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।